बैंक केवल मासिक किराया ही लेता है, फिर भी स्वैप मशीन लगाने की व्यापारियों में रुझान नहीं है। डिजिटल इंडिया की राह में रोड़े की तरह स्वैप मशीन की कार्य प्रणाली चलाना होगा जन जागरण अभियान। देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भारी तामझाम के साथ कैशलेस पेपरलेस जैसी बातें कही थी। नोटबंदी के बाद इस तरह की प्रणाली विकसित करने की बात कही गई थी, जिसमें आम आदमी को राहत मिले। तरह तरह के दावों वादों के बीच स्वैप मशीन की आवाज ना जाने कहां खो गई, जबकि आम जनता को सबसे ज्यादा लाभ इसी से होने वाला था। बैंकों ने तो इस ओर एक कदम उठाया भी, उन्होंने स्वैप मशीन को महज चंद पैसों में, इसे वह भी मासिक किराए के रूप में, ग्राहकों यानी व्यापारियों को देने का निश्चय किया। लेकिन व्यापारियों को इसमें भी घाटा नजर आया। जिन दुकानों में ग्राहकों की आवक जावक ज्यादा थी, उन्हें तो यह काम रास आया, लेकिन जिन दुकानों में ग्राहकों की संख्या कम थी, उन्हें यह घाटे का सौदा नजर आया। वहीं स्वैप मशीन को लेकर जनता जनार्दन के बीच तरह तरह की गलतफहमियां भी फैली हुई थी। उन्हें दूर करने के उपाय शायद जिम्मेदार लोगों ने नहीं किए। वहीं कुछ दुकानदारों को इसका किराया ज्यादा लगा, तो कुछ दुकानदारों को बैंक ट्रांजेक्शन में कटने वाला पैसा। इन सब में लोगों को एक चीज नजर नहीं आई, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मिलने वाले आराम की। स्वैप मशीन की कार्यप्रणाली बिल्कुल सीधी सी है, कार्ड स्वैप करिए, सामान उठाइए, अपने घर को जाइए। फिर भी केंद्र शासन की इस योजना का लाभ क्यों लोग नहीं उठा पा रहे, इस ओर जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा। देखिए, स्वैप मशीन में कस्टमर्स को तो लॉस नहीं है, बट व्यापारी को जरूर नुकसान है। उसमें चार्जेस कटते हैं 1%, जैसे डेबिट कार्ड हो गया उसमें बैंक वाले जो है ना 0.9%, लगभग 1% जो चार्जेस काट लेते हैं, तो वो हमको कस्टमर से नहीं मिल पाता है। और क्रेडिट कार्ड हो गया उसमें 2% चार्जेस हैं, तो ये इससे जो ना ये व्यापारी को लॉस हो रहा है, ठीक है। और कस्टमर को तो कोई लॉस नहीं है उसमें, ग्राहकों को तो फ़ायदा ही है ना, उनको जो है कैश लाना नहीं पड़ रहा है, ये फ़ायदा उनके लिए। बट ये कि एक नुकसान उनका भी है कि एक बार में वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है। किसी कार्ड से वो 25,000 ही दे पाते हैं, किसी कार्ड से 50,000 ही दे सकते हैं। और यहाँ सामान जैसे अगर लिया उन्होंने, करीबन परचेज किया जो भी किया, 1-2 लाख तक, एक बार में उनको भी सहूलियत नहीं मिल पाती थी, तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें। भैया, स्वैप मशीन से सुविधाएँ तो हैं, लेकिन इसमें जो चार्जेस हैं ये तो बहुत महंगा पड़ता है हम लोगों को। और ये जो प्लास्टिक मनी मोदी जी बोल रहे हैं, तो सब जगह स्वैप मशीन तो नहीं है। 2000 दुकानें हैं तो 200 दुकानों में भी नहीं है, तो इसकी सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। इनके जो रेट्स हैं, सर्विस चार्ज और रेट्स, ये थोड़ा सा घटाना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो फ़ायदा मिल सकेगा। कस्टमर क्या कैश आजकल ATM पे लाइन लगी रहती है, कैश उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कार्ड पेमेंट करने के लिए सुविधा देते हैं। मशीन रखने से नुकसान तो काफ़ी है हम लोगों का, इसमें बैंक वालों को 1.5% टैक्स ले लेते हैं, मंथली रेंटल अलग लेते हैं, जिससे मतलब दोनों तरफ से हम व्यापारियों को नुकसान है। सरकार को चाहिए कि इसको फ्री करना चाहिए, जब कैशलेस किए हैं तो इसको फ्री करके और ज़्यादा कैशलेस को बढ़ावा देना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वैप करें, कि दूसरी तरफ से बैंकों को फ़ायदा देने के लिए बैंकों को इसके चार्जेस कटवा रहे हैं। आजकल जो स्वैप मशीनों का इस्तेमाल, इसका बैंक कैसे देता है और पब्लिक इसका कैसे इस्तेमाल करती है? स्वैप मशीनें जनरली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कई तरीकों की स्वैप मशीनें यूज़ करते हैं, 3 से 4 तरीकों की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, जिससे ज़्यादा कस्टमर हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, कैश का लेन देन ना करें, उनको बढ़ावा देने के लिए ये आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बैंक 2-3 तरीके की स्वैप मशीनें यूज़ करता है, हम लोग अपने जो हमारे ग्राहक हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर अपने ATM कार्ड का यूज़ करके डिजिटल माध्यम से पेमेंट करते हैं। आजकल तो कई सारे ऐप भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना ट्रांजेक्शन, सपोज दैट TV रिचार्ज, कई सारी चीज़ें भी उस ऐप के माध्यम से करते हैं। क्या वजह है कि दुकानदार अभी भी स्वैप मशीन रखने में डरता है? उसमें लोकल लेवल पे कई सारी प्रॉब्लम्स कभी कभार आती हैं, कि नेटवर्क का इशू होता है, जिससे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, पब्लिक उससे अवेयर नहीं है, पब्लिक को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्वैप करके वो मेरा पासवर्ड जान जाए और हमारे खाते से पैसा इधर से उधर हो जाए। तो मेरे हिसाब से कि पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है, जिससे वो अवेयर हो करके उसका डिजिटल ट्रांजेक्शन का यूज़ करें, डिजिटल बैंकिंग का यूज़ करें,
और जिससे बैंकों में भी भीड़ कम हो और वो अपना लेन देन डिजिटल माध्यम से कर सके। स्वैप मशीन के लिए स्वैप मशीन की वजह से कस्टमर को इस तरह से जो कैशलेस इंडिया जो डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कहीं भी कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्वैप मशीन की वजह से अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या अपना गिफ्ट कार्ड भी इशू होते हैं वो अपना स्वैप करा के कोई भी सामान परचेज करता है तो उसकी पेमेंट वो कर सकता है, उसको फिजिकली कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बैंक इस सारे बैंक हमारा सिंडिकेट बैंक भी स्वैप मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कस्टमर को जो करेंट अकाउंट होल्डर्स है चाहे जो नॉन होल्डर्स भी हैं उनको भी आप केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद से वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड कराते हैं। उसके मंथली कुछ चार्जेज होते हैं जो कस्टमर पेमेंट करते हैं करना होता है, लेकिन जो मशीन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्या वजह है कि लोगों पर स्वैप मशीन रखने का दुकानदारों की तरफ रुझान स्थापित हो रहा है? ये सर इसकी अपने आप अलग अलग कारण हो सकते हैं। बहुत लोगों का क्या होता है कस्टमर्स किसके टर्नओवर कम होते हैं, उनके पास कस्टमर कम जाते होंगे तो रुझान रखना चाहते होंगे उसको स्वैप मशीन को, क्योंकि उसको चार्जेज जो लगते होंगे उसको उनको लगता ज़्यादा है इसमें भी इस वजह से ना रखते होंगे। लेकिन जो टर्नओवर इसके अच्छे हैं उनको सारे मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहा है उसे रखा भी होगा सारे जो बड़े दुकान हैं मर्चेंट्स बड़े बड़े मॉल्स है सारी जगह पे अवेलेबल है।